नमस्कार, भारत में G20 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत हो रही बैठकों की अहम जानकारी देते हैं। इस हफ्ते भी देश भर में कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई। इन बैठकों में कई वैश्विक और आवश्यक मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए शुरुआत करते हैं G20 हाइलाइट्स के साथ। भारत की G20 अध्यक्षता ने पूरी की 6 महीने की यात्रा। 46 शहरों में शेरपा बैठक, वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक, G20 विकास समूह और विभिन्न कार्य समूह की 120 से अधिक बैठकें संपन्न। रोजगार कार्य समूह की तीसरी बैठक जिनेवा में संपन्न। G20 प्रतिनिधियों ने श्रम में लैंगिक अंतर और युवाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों पर की चर्चा। और गोवा में स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की तीसरी बैठक के लिए पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि। एक स्टार्टअप शोकेस, सांस्कृतिक अनुभव और तमाम मुद्दों पर कार्यान्वयन और लाभों पर होगी चर्चा। भारत की अध्यक्षता में G20 ने 1 जून को सफलतापूर्वक 6 महीने पूरे कर लिए हैं। 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुए इस सफर में भारत वैश्विक ताकतों के बीच विश्व नेता बनकर उभरा है। बीते महीनों में भारत ने वैश्विक मंच पर अपने बढ़ते वर्चस्व को दर्शाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य की थीम से रखी गई नींव और वसुधैव कुटुंबकम की प्रतिबद्धता के बीच भारत की G20 की अगुवाई ने 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य के साथ निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से भारत के पास है। भारत के विश्व मंच पर बढ़ते वर्चस्व की कहानी बयां करती G20 की अध्यक्षता को 1 जून को 6 महीने पूरे हो गए हैं। ये आयोजन सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं है, ये आयोजन हम भारतीयों का आयोजन है। पिछले साल दिसंबर में औपचारिक रूप से भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद कई महत्वपूर्ण शेरपा बैठक, वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक, G20 विकास समूह और वर्किंग ग्रुप और संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य टास्क फोर्स की बैठकें भारत के अलग अलग शहरों में हो चुकी हैं। रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट दिस ग्रुपिंग बेयर्स एन एक्सेप्शनल रिस्पांसिबिलिटी। Supporting the countries most in need and reflecting the concerns and aspirations of developing countries will be central to our efforts. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की G20 अध्यक्षता विश्व स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ रही है। वर्ष 2008 में वॉशिंगटन DC में हुई G20 की पहली बैठक के बाद से G20 ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 17 शिखर सम्मेलनों की मेजबानी की है। इन सभी शिखर सम्मेलनों ने समूह के बीच आर्थिक स्थिरता और सतत विकास प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को बढ़ाया है। भारत की अध्यक्षता में अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित 11 सहभागी समूहों, 4 शेरपा ट्रैक वर्किंग ग्रुप, 8 फाइनेंस ट्रैक वर्क स्ट्रीम, 11 एंगेजमेंट ग्रुप और 4 इनिशिएटिव्स के साथ व्यापक विचार विमर्श आयोजित किए जा रहे हैं। अंडर दी प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया आई लॉन्च टू दी G20 फोरम फॉर फोकसिंग ऑन टूरिज्म एज एन इफेक्टिव टूल फॉर अचीविंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ 2030। द G20 कैन मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू फाइंड प्रैग्मेटिक ग्लोबल सॉल्यूशन। इन बैठकों में व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोध जैसे वैश्विक मुद्दे G20 बैठकों के एजेंडे में शामिल हैं। भारत को अब तक G20 सदस्यों और अतिथि देशों को समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक एजेंडे के लिए अपार समर्थन मिला है। एजुकेशन हैज बिकम मोर इंटरनेशनलाइज्ड एंड द डिमांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन गोज बियॉन्ड जियोग्राफीज। The core of our priorities is embedded in a pro-planet approach to life, one which is in harmony with nature.
अप्रैल महीने में भारत की G20 अध्यक्षता ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। भारत ने वाराणसी में अपनी 100वीं G20 बैठक के तौर पर प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक के आयोजन पर अपनी G20 अध्यक्षता की उपलब्धि का जश्न मनाया। पिछले महीने श्रीनगर में G20 देशों की 3 दिवसीय पर्यटन कार्य समूह की 3री बैठक आयोजित हुई। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने और करीब 37 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। 30 नवंबर 2023 तक 60 शहरों में 200 बैठकें होनी हैं। अब बात करते हैं G20 की एक महत्वपूर्ण बैठक की। G20 रोजगार कार्य समूह की 3री बैठक जिनेवा के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में आयोजित की गई। बैठक में श्रम में लैंगिक अंतर, युवाओं की भागीदारी और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान भारत ने जापान, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों से द्विपक्षीय मुलाकात भी की। देखते हैं G20 रोजगार कार्य समूह की 3री बैठक पर एक खास रिपोर्ट। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 31 से 2 जून 2023 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित ILO मुख्यालय में रोजगार कार्य समूह की 3री बैठक आयोजित हुई। बैठक AWG के परिणाम दस्तावेजों पर आम सहमति और ब्रिस्बेन और एंटालिया लक्ष्यों की प्रगति पर नजर रखने पर केंद्रित रही। बैठक में G20 के 20 सदस्य देशों, 9 अतिथि देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये बैठक 3 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित रही, जिसमें वैश्विक कौशल अंतर का समाधान, संविदा और प्लेटफॉर्म, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा और आखिर में सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण क्षेत्र शामिल रहे। इन 3 क्षेत्रों के संदर्भ में नीतिगत सिद्धांतों, विकल्पों और कार्य योजनाओं के साथ EWG द्वारा G20 शेरपाओं और G20 राजनेताओं को पेश की गई सिफारिशें शामिल रहीं। बैठक की शुरुआत श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा और EWG के अध्यक्ष के उद्घाटन भाषण से हुई, जिन्होंने EWG से अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहने और देशों की आबादी और उनकी समृद्धि के लिए स्पष्ट कार्य योजनाओं को पेश करने का आग्रह किया। G20 प्रतिनिधियों ने श्रम में लैंगिक अंतर और युवाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। 31 मई को भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी आयोजित की गई। आपको बता दें कि इससे पहले रोजगार कार्यकारी समूह की 2री बैठक 3 से 5 अप्रैल 2023 तक असम के गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। This year as the employment track we will be addressing the skills gap because the labor relations is changing rapidly and with the onset of the pandemic we have seen an intensification of this change. So the skills gap is a major issue to be addressed by all G20 nations. सशक्त, टिकाऊ, संतुलित और आजीविका समृद्ध विकास हेतु प्राथमिकता वाले श्रम, रोजगार और सामाजिक मुद्दों को हल करने पर इस बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। Yoga plays a really a special part in that that part of her life of being so healthy. So yoga in Brazil is very popular, and we all acknowledge the benefits and the gifts that India gave us as giving us yoga. It's a very nice presidency, and very happy to be invited to give presentations here and contribute to the presidency, and also. It's very interested. We are very touched by the all receptions here. I think it's a very welcoming presidency. It's our second meeting. The first one was in Jodhpur, very diverse, very different country, but the hospitality and the warmth of the people are the same. भारत अगले महीने आखिरी रोजगार कार्य समूह की बैठक इंदौर में आयोजित करने जा रहा है। अभी आपने जाना रोजगार कार्य समूह की 3री बैठक के बारे में।
रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक असम के गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। पूर्वोत्तर के अलग अलग शहरों में आयोजित G20 बैठकों ने पूर्वोत्तर भारत की प्रकृति, संस्कृति और क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर तो प्रदान किया ही है, साथ ही विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई है। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम साउथ ईस्ट एशिया के गेटवे के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। G20 अध्यक्षता के दौरान नॉर्थ ईस्ट को मिल रहा है विशेष महत्व और विश्व स्तर पर नई पहचान। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में हो चुकी है कई महत्वपूर्ण G20 मीटिंग्स। पूर्वोत्तर के राज्यों की अपार क्षमता को दुनिया के सामने ला रहा है G20। पूर्वोत्तर के इन क्षेत्रों में है अपार संभावनाएं। मिजोरम में बांस की खेती, सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग, अरुणाचल प्रदेश में है जैव विविधता, मणिपुर में बांस और बेंत से बनते हैं उत्पाद, असम में प्रसिद्ध है मेडिकल टूरिज्म, कोयला और पेट्रोलियम उत्पादन, त्रिपुरा में है प्राकृतिक गैस और होता है औषधीय पौधों का उत्पादन, मेघालय में है पर्यटन, कोयला, चूना पत्थर और यूरेनियम, नागालैंड में पाई जाती है दुनिया की सबसे तीखी किंग चिली स्ट्रॉबेरी सुपारी। प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन सहित अन्य उद्योगों के फलने फूलने की अपार संभावनाएं हैं। हमारी G20 की अध्यक्षता इस क्षेत्र के विकास के लिए वरदान साबित होगी। पूर्वोत्तर के खूबसूरत वादियों और सांस्कृतिक विरासत के मुरीद हुए G20 के मेहमान। We have experienced very nice cuisine of northeast of India and really we have made some good friendship with the people here. I have enjoyed very much the place and the beauty of what we have seen. The people have been wonderful. It's amazing. We had a very warm welcome yesterday in Guwahati, and today we were in the national park. It's absolutely gorgeous, beautiful. The organization has been splendid. We've been very well taken care of at every step. I really feel there's a wonderful hospitality here in Assam. मेरा ये पक्का विश्वास रहा है कि पूर्वी भारत और खासकर पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। नए भारत का उभरता इन्वेस्टमेंट हब नॉर्थ ईस्ट इंडिया। G20 की बैठक दशकों में भारत में होने वाला सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा संपन्न 20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ ही उनके विदेश मंत्रियों, वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और दूसरे अधिकारियों की बैठकें अलग अलग समय पर आयोजित की जा रही हैं। भारत की G20 अध्यक्षता की इस सफलता के पीछे एक मजबूत शेरपा ट्रैक का हाथ रहा है। आइए जानते हैं कि शेरपा ट्रैक की इन बीते 6 महीनों में क्या जिम्मेदारियां रहीं और कैसे इस ट्रैक ने इन सब जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा किया। भारत की G20 अध्यक्षता की चर्चा पूरे विश्व भर में हो रही है। पिछले 6 महीने से G20 के प्रतिनिधि देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में बैठकों के जरिए आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर चर्चा कर रहे हैं। भारत के दिसंबर 2022 में G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद से विभिन्न एंगेजमेंट ग्रुप्स, शेरपा ट्रैक और मंत्री स्तरीय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। 30 मई तक G20 की 110 बैठकें हो चुकी हैं। भारत की अध्यक्षता में प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए शेरपा ट्रैक के माध्यम से 13 कार्य समूह, 3 इनिशिएटिव्स
और एक सम्मेलन की योजना बनाई गई थी। G20 सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। G20 में दो समानांतर ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक होते हैं। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। भारत की ओर से अमिताभ कांत शेरपा हैं। वे शिखर सम्मेलन की प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के साथ ही भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान चयनित विषयों का समन्वय करने का काम करते हैं। शेरपा के अभी तक की पहल में अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। शेरपा ट्रैक के केंद्र बिंदु आपदा जोखिम में कमी, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण, पर्यटन, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार निरोधक, निवेश, शिक्षा, कृषि, जलवायु और रोजगार रहे हैं। चार जून को गोवा स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की तीसरी बैठक की मेजबानी कर रहा है। बैठक का केंद्र बिंदु ड्राफ्ट पॉलिसी कम्युनिक पर आम सहमति बनाना है। हाल ही में स्टार्टअप 20 ने जनता से इस कम्युनिक पर प्रतिक्रिया मांगी थी। बैठक में स्टार्टअप शोकेस, स्टार्टअप 20 श्रृंखला पर वार्ता, सांस्कृतिक अनुभव और दस्तावेजों में उल्लेखित विचारों के कार्यान्वयन और उससे जुड़े लाभ पर चर्चा का विषय रखा गया है। आपको बता दें कि स्टार्टअप 20 वैश्विक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देने, विचारों का आदान प्रदान करने और स्टार्टअप और उद्यमिता के भविष्य को आकार देने के लिए एक प्रमुख अवसर के रूप में काम करता है। अब वक्त आ गया है G20 क्विज में पिछले एपिसोड में आपसे पूछे गए सवाल का सही जवाब देने का। देखते हैं कि क्या था सवाल और किसने दिया सबसे पहले इसका सही जवाब। हमने आपसे पूछा था भारत की अध्यक्षता में G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुई, जिसके ऑप्शंस थे ए श्रीनगर, बी गांधीनगर, सी मुंबई और डी नरेंद्र नगर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीनगर। हमें बड़ी संख्या में आपके मेल मिले और जिसने सबसे पहले सही जवाब दिया है वो है रजनू गुप्ता, आपको हार्दिक बधाई। इसके बाद झुंझुनू से अजय पाल जाखर और मनीषा सिंह ने भी G20 क्विज का सही जवाब भेजा है। और अब इस हफ्ते का सवाल पूछने का समय आ गया है। ध्यान से सुनिए ये सवाल और इसके ऑप्शन। अमिताभ कांत से पहले भारत के G20 शेरपा कौन थे? ऑप्शन ए सुरेश प्रभु, बी पीयूष गोयल, सी मीनाक्षी लेखी और डी निर्मला सीतारमण। अपने जवाब और फीडबैक आप g20.sensortv@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब के साथ अपना नाम और स्थान लिखना ना भूलें। जो तीन प्रतिभागी इसका जवाब सबसे पहले हमें मेल के जरिए भेजेंगे उनका नाम हम अपनी अगली कड़ी में साझा करेंगे। जाने से पहले आपको बताते हैं आने वाले G20 बैठकों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की तीसरी बैठक 5 से 7 जून को गोवा में आयोजित की जाएगी। वहीं विकास कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और इसका समय रहेगा 6 से 9 जून का। विकास मंत्रियों की बैठक का आयोजन वाराणसी में 11 से 13 जून के बीच किया जाएगा। फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग का आयोजन कोची में 12 से 14 जून के बीच किया जाएगा और इसी समय के दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन पुणे में किया जाएगा। एक पृथ्वी, एक परिवार और साझा भविष्य की संकल्पना को साकार करते हुए भारत की अध्यक्षता में G20 के सदस्य देश बेहतर भविष्य के लिए एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम इन प्रयासों को आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।